सवाल को देखें। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से छठे अक्षर के दाएं तरफ सातवां अक्षर कौन सा होगा? देखिए, बाएं से दाएं छठा पड़ा होगा, फिर दाएं मतलब आगे की तरफ ही बढ़ना है। देखिए, बाएं मतलब लेफ्ट से राइट, सिक्स पोजीशन में क्या एफ है, एफ के बाद फिर आपको राइट पोजीशन में जाना है। राइट पोजीशन का मतलब कि एफ के बाद वाले संख्या में जाना है। फ्रॉम लेफ्ट टू सिक्स मतलब एफ आपका सिक्स है, अभी हम देख ही रहे हैं, ये हमारे पास तो जाना हुआ है, और उसके बाद से आपको सात पोजीशन और जाना है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, देखिए फिर से बोलते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सिक्स पोजीशन, देन अगेन राइट मतलब फिर हम आगे की बढ़ेंगे। तो सिक्स प्लस सेवन क्या होगा, थर्टीन, ट्वेल्व है क्या है, L है, L के बाद क्या होता है, M होता है, तो 13th will be the M, answer is the M, very simple, कुछ भी आपने कलम का प्रयोग नहीं किया, simply आप करके निकल गए।